मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर आज के मुख्य समाचार। आप सभी को ज्ञात है कि मथुरा में धनगर समाज समिति का 2 माह से धरना अनिश्चितकालीन जारी है। प्रशासन की हठधर्मिता के लिए धनगर समाज ने एकजुट होकर 18 दिसंबर को अपनी ताकत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए धनगर समाज से आह्वान किया है। गांव-गांव घूमकर धनगर समाज अब जाग चुका है और अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहा है। धनगर समाज को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2019 को एक शासनादेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनगर समाज की एक लंबी लड़ाई हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या एससी एसटी आयोग नई दिल्ली हो, उन सभी ने ये माना है कि धनगर समाज के साथ कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। अतः सभी ने धनगर समाज के फेवर में अपने अपने आदेश जारी किए हैं। उन्हीं आदेशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2019 को एक शासनादेश जारी किया गया कि धनगर समाज के व्यक्तियों को उनके अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, जिसका आज तक उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इससे धनगर समाज में पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोश है। धनगर समाज को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाना न्याय संगत नहीं है। इसलिए धनगर समाज इन सभी आदेशों को जान चुका है, पढ़ चुका है और अब ये आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे फैल चुका है। धनगर समाज का यही आंदोलन मथुरा में न्यायिक मोड़ पर है। धनगर समाज ने सभी अपनी जाति बंधुओं से आह्वान किया है कि अधिक से अधिक संख्या में 18 दिसंबर को मथुरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना शक्ति प्रदर्शन करें। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन उनकी न्यायोचित मांगों को समाधान करता है, उनसे बातचीत करता है या क्या अपना रुख अख्तियार करता है, ये सब देखने वाली बात होगी। ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से फैल चुका है, जो अब रुकने वाला नहीं है। ये लड़ाई पूरा उत्तर प्रदेश का धनगर समाज की नजरें इस पर टिकी हैं। कोई भी जरा सी गलत निर्णय से ये है आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर यह मुख्य समाचार। आप सीधे सीधे बात कर रही है हमारे अभी हम जाएंगे यहाँ सही में बैठे हैं, सही से डांगोर जाएंगे और सियारा जाएंगे और बहगाँव जाएंगे, मई जाएंगे और कसई जाएंगे, उसके बाद में फिर निकलेंगे धनसिंगा जलालपुर में बन गए मथुरा में बन गए माठ में बन गए हम अपने बढ़िया
देखो सब थोड़ी सर्दी में है बैठे, सही बात है, और ब्राह्मण सुनते बैठे 2,50,000 रुपया तब तक खर्च हो गया। भाई लोग बाहर जा रहे, खाना चल रहा, सामान लग रहा, तो गद्दा रजाई भर चल रहे, और कम से कम 4,000 रुपये तो रजिस्ट्री और फोटो स्टेट होगी सबको भेज दिए। बीजेपी के 5 MLA हैं, आजकल लक्ष्मी मंत्री हैं, सबको ले भाई, और सबको कहा कि भाई आज हमारी मदद करो, और आज अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनवाओगे, तो कल हम भी फिर देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर। आपको खबर हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। नमस्कार, देखते रहिए धनगर शक्ति न्यूज।